विधानसभा के सत्र के बीच आज आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जहां पर सीएम योगी को इतने गुस्से में आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। दरअसल विधानसभा सत्र के दौरान सीएम योगी विधान परिषद के एमएलसीओं को भी संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान सपा एमएलसी कुछ ऐसी हरकत कर बैठे जिस पर देखिए कैसे सीएम योगी का गुस्सा फूट पड़ा। गर्मी मत दिखाइए यहाँ पे, इसीलिए बोला जा रहा है। एक सदन है, सदन की मर्यादा का पालन करिए और पालन करना सीखिए, इसीलिए सीखिए। बैठिए बैठिए राठौर जी, बैठिए। माननीय नेता विरोधी दल अपने सदस्यों को सामान्य सदन के शिष्टाचार को भी सीखिए, बैठ जाइए आप। इसीलिए आप बैठ जाइए, आप बैठिए, आप बैठिए। मैं जानता हूँ नहीं गलत बोली, इस भाषा को समझते हैं और जो जिस भाषा को समझेगा उसको उस भाषा में जवाब भी देंगे। बहुत अच्छे डाले, बैठिए आप बैठिए, सुनने की आदत भी डालिए। अगर बोलते हैं तो सुनने की आदत भी डालिए। आसमान में ना धोखा टोकी मत करिए, राठौर जी रोक रहे हैं आपको, बार बार आप खड़े हो जा रहे हैं। ये आचरण अच्छा नहीं है, ये अच्छा आचरण नहीं है सभापति जी। नहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे सुनने की आदत तो डालिए पहले। वही करते हैं, वही आपके सदस्य करते हैं। मैंने उठाया तब तक जिस महिला का वो बच्चा था उसके साथ एक लगभग 2.5-3 साल का एक बच्चा और था। अच्छा मैं इधर उसको अन्नप्राशन करा रहा था तब तक वहाँ पे एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गए, उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। वो बच्चा 2.5 साल का बच्चा क्या कहता है, मम्मी मम्मी देखो वो गुंडा गुंडा। अब आप देखिए कि एक 2-2.5 साल का बच्चा के मन में टोपी पहन करके आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या धारणा है। वो अपनी माँ से चिपक करके कहता है कि मम्मी मम्मी देखो गुंडा गुंडा। यानी ये धारणा सामान्य रूप से बन चुकी है और इसीलिए मैं अपील करूंगा नेता प्रतिपक्ष, आप पगड़ी पहन करके आते तो अच्छा लगता, गांव का साफा पहन करके आते तो मैं उसका अभिनंदन करता। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।